जय हिंद। मैं चंद प्रकाश आप सब का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जॉब तक नंबर वन पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे PYQ ऑफ दिल्ली पुलिस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ दिल्ली पुलिस। मैं इससे पहले मैथ का क्वेश्चन करवा चुका हूं, लगभग 35 से 36 वीडियो है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। SSC GD का भी मैं मैथ करवा चुका हूं, लगभग 22 शिफ्ट, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रीजनिंग के टॉपिक में, रीजनिंग में मैं रीजनिंग सेट, रीजनिंग समुच्चय का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी करवा चुका हूं, एक ही वीडियो में है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। नंबर सीरीज का इससे पहले मैं 3 वीडियो जो कि लाइव ही करवाया था और आप लोग का कॉमेंट भी पढ़ पा रहा था, लेकिन ये वीडियो जो है आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ बारिश काफ़ी हो रही है और नेटवर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं लाइव आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पाऊंगा। मैं वीडियो तो शूट कर रहा हूं, लेकिन ये कब मिलेगा आप लोगों को ये मुझे भी पता नहीं है। जब भी मिले तो आप क्या करना, सबसे पहले तो मैं साइड हो जाता हूं और आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। पॉज करने के बाद क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप बना लेते हो, आपसे बनता है, तो आप आंसर मैच करके देखो कि आंसर आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ आप लॉजिक देखो कि मैं जो लॉजिक लगा रहा हूं आपका लॉजिक दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से कम टाइम तो नहीं ले रहा है। अगर आपका लॉजिक मेरे लॉजिक से कम टाइम ले रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा और मेरे पास टाइम बचेगा। मैं उस कमेंट को क्या करूंगा, कमेंट में ही पिन कर दूंगा ताकि आपका कमेंट सबसे ऊपर दिखे, ठीक है, और आपके कमेंट के थ्रू भी बच्चे कुछ ना कुछ सीख पाए, ठीक है। मेरे पास जो मेरे माइंड में लॉजिक आया वो मैं पहले बता दे रहा हूं और आप अगर बाद में बना रहे हो सकता है कि सभी लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन आंसर जो है एक ही आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इन क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। आशा करते हैं कि आप वीडियो पॉज करके बना चुके होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इसके करीब में क्या है, नहीं है, ठीक है। और सबसे पहला हम रामबाण बता चुके थे आप लोग, कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप चाहो तो उसके गैप ढूंढ कर आप आंसर कर सकते हो। तो मैं भी इस क्वेश्चन के लिए गैप ढूंढता हूं। देखिए अगर हम 157 को 193 से माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, 6 बच जाएगा, ये बच गया आपको 8, 8 में से 5 माइनस कीजिएगा 36 हो गया। चलिए आप आगे भी ढूंढेंगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे 8 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 5 बच जाता है, ये बच गया 13, 13 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, तो 45 आ गया। 36 और 45 कितना का गैप है, 9 का गैप है। आगे देखिए, आगे क्या 9 का गैप ही है, तो फिर आगे हम देखेंगे। देखिए 12 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो 4 बच जाता है, ये बच गया 8, और 8 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 5 बच गया, 54 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मिल रहा है कि 9 का फैक्टर ये भी है, 9 का फैक्टर इसमें भी 9 का फैक्टर है और इसमें भी 9 का फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 6 54, हो सकता है कि यहाँ पे 9 7 63 हो जाए, 63 हो जाए। और आगे हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या यहाँ पे अगर 9 8 होना चाहिए, 9 8 72, यहाँ पे 9 9 81 होना चाहिए। देखिए क्या 81 गैप है, कि 8 में से 7 माइनस कीजिएगा, 1 बिल्कुल सही है, 10 में से 2 माइनस कीजिएगा तो 8 हो गया। इसका मतलब ये पता चल गया कि ये इसके पीछे का जो लॉजिक है ये 9 मल्टीप्लाई 4 से स्टार्ट हुआ है और आगे बढ़ता चला गया है। तो यहाँ पे क्या जुड़ना चाहिए, 63, तो 292 प्लस 63 कर दीजिएगा तो यूनिट डिजिट पे आ गया 5। और देखिए 5 दो ऑप्शन में, तो इसको और भी निकालना पड़ेगा, 9 6 15 3 दो एक तीन, मतलब 355, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दो नंबर दिख रहा है। तो आप इस तरह करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में क्या कर सकते हैं, इसमें भी गैप ढूंढकर ही बना लेंगे और बताए ही कि रामबाण है, गैप ढूंढकर निकालिए। तो देखिए इसके बीच का गैप देखिएगा, 15 माइनस 3 कीजिएगा तो 12 हो गया, 38 माइनस 15 कीजिएगा तो 15 हो गया, प्लस 8 जोड़िएगा तो 23 हो गया, ठीक है, 78 माइनस 38 कीजिएगा तो 40 हो गया, ठीक है, 141 माइनस 78 कीजिएगा तो मतलब 11 में से 8 माइनस कर रहे हैं तो 2 बच रहा है, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 नहीं 3 बचेगा, ठीक है, 13 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो 6 बच जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कुछ लॉजिक अभी नज़र नहीं आ रहा है तो आगे निकाल लेते हैं फिर देखेंगे। 5 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 4 बच गया, 13 में से अगर 4 माइनस करते हैं तो ये 9 बच जाएगा, ठीक है, 10 में से 5 माइनस कीजिएगा 5 बच गया, ये बच गया 6, 6 में से 3 माइनस कीजिएगा 3 और 1 बच गया यहाँ पे। अब आगे देखिए 2 हो गया, 15 में से 7 माइनस कीजिएगा 8 बच गया, और ये हो गया 4, 4 में से 3 माइनस कीजिएगा तो 1 बच गया, 182 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, कोई लॉजिक नहीं नजर आ रहा है तो फिर गैप ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तब देखते हैं क्या बनता है। क्या अगर देखिए 12 प्लस कितना कीजिएगा तो 23 हो गया, तो 12 प्लस 11 कीजिएगा, 17 ऐड कीजिएगा तो 40 हो रहा है, क्योंकि 7 3 10 30 और 10 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 ऐड करने की जरूरत है तो 63 बनेगा, इसमें कितने ऐड करने की जरूरत है तो माइनस कर लीजिए तो 1 हो जाएगा, 3 31 ऐड करने की जरूरत है, फिर देखिए इसमें देखिएगा तो 1 हो जाएगा और 9 4 13 मतलब 41 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 7 बच गया, ये हो गया 7 में से 3 माइनस कीजिएगा 47 हो गया। अब देखिए 11 17 23 31 41 और 47, ये लग रहा है कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और आप लोगों को ये प्राइम नंबर हम एक लिस्ट भी दे देंगे, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग लिस्ट तैयार करके पिक्चर के रूप में हम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में है वीडियो तो हम लगा सकते हैं, इसको लाइव में नहीं लगा पा सकते हैं अभी,
तो देखिए इसमें क्या है, 11 एक प्राइम नंबर है, 11 के बाद 13 होता है तो 13 को छोड़ दिया है, फिर 17 ले लिया है, 17 के बाद 19 होता है, 19 को छोड़ दिया है, 23 ले लिया है, तो ये एक छोड़ रहा है फिर आगे ले रहा है, तो 47 के बाद कितना होता है, 47 के बाद 51 नहीं होता है, 52 53 होता है, 53 ले लीजिए, 53 के बाद 53 को छोड़ दीजिए, 53 के बाद क्या होगा, 57 नहीं होता, 59 57 हो जाता है, 57 नहीं 59 हो जाएगा, तो 59 ले लीजिए, 59 हो गया, 59 को इसमें ऐड कर लीजिए, 59 ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, 9 10 11 और 13 आठ पाँच तेरह एक चौदह एक एक दो 241 हो गया, 241 प्लस 552 कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तीन तीन दो ऑप्शन में है, 549 और 593 आ गया, 793 ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 में भी क्या करेंगे, गैप ढूंढेंगे। देखिए दोनों के बीच का गैप 6 है, इस दोनों के बीच का गैप 11 है, और इस दोनों के बीच का गैप देखिएगा कितना हो जाएगा, दो ऐड कीजिएगा तो ये 30 हो गया, प्लस 20 50 और एक तो मतलब 23 हो गया, 23 का गैप है, आगे आ जाइए, ये माइनस कर दीजिएगा, 45 का गैप दिख रहा है, इसमें से माइनस कीजिएगा तो 1 और 9 91 का गैप दिख रहा है, इसमें देखिए 1 और 16 में से 8 माइनस कीजिएगा, 8 बच गया, 2 माइनस 1 181 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ना तो प्राइम नंबर है, और देखिए 5 यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 12 बढ़ रहा है, अलग अलग टर्म में बढ़ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे अलग एक सीरीज बन जाता है, दिल्ली पुलिस यही काम किया है कि गैप ढूंढने के बाद भी एक सीरीज को तैयार कर दिया है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन में अगर आप इस तरह का लॉजिक लगाते हो ना तो बन जाएगा, ये लॉजिक कब पता चला, जब आप इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ना, तो अभी करेंटली लॉजिक क्या पूछ रहा है, इससे आप क्या हो, इसमें आपका प्रैक्टिस होता रहेगा, और प्रैक्टिस की वजह से आपके एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट इसी वजह से कहा जा रहा है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से ये तो पता चलता ही रहता है कि लॉजिक क्या पूछ रहा है, साथ में आपका प्रैक्टिस भी होता रहता है, एक्स्ट्रा बुक बनाने की नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए क्या लॉजिक है, अगर हम इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 1 करते हैं तो ये 11 हो रहा है, ठीक है। अब 11 को देखिए, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, प्लस 1 कर रहे हैं तो ये 23 हो रहा है, एक आगे चेक कर लीजिए, 23 दूना कितना होता है 46 और माइनस 1 कीजिएगा तो 45, तो यहां पे ये अब हमें पता चलने लगा है कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, एक में माइनस कीजिए, दूसरा में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए, बस इसी को आप कंटिन्यू करेंगे, देखिए एक सीरीज बन रहा है ना गैप ढूंढने के बाद, तो इस तरह का दिमाग लगा दिया है दिल्ली पुलिस। चलिए अब आगे है 45 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, प्लस 1 कीजिएगा तो 91, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 91 है, फिर आगे यही काम करना है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस कीजिएगा तो 181, अब आगे चल रहा है 181 लीजिए, लिख ही देते 181 को, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए 18 दुना 36 और 2 इकाई 2 प्लस 1 कीजिएगा मतलब 363 आ गया, 363 को आप 368 में ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 ऐड कीजिएगा तो 1, अब देखिए एक नंबर ऑप्शन में जो है एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, जो कि 731 है, अब इसको जोड़िए या ना जोड़िए आप डायरेक्ट भी मार सकते थे, चलिए जोड़ के भी देख लीजिए, कैरी 1 बच गया, 6 दुना 12 एक 13, 3 दुना 6 एक 7, तो ये हो गया 731 हो गया, आप यहाँ पे जाके जोड़ भी सकते हो या नहीं भी जोड़ो तो भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर क्वेश्चन लिख लिया, आप लोग इसको पॉज करके बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, अब इस क्वेश्चन को फिर बनाने की कोशिश करेंगे, 34 से क्या लॉजिक लग रहा है देखते हैं, आइए तो फिर क्या करेंगे, हम लोग गैप ढूंढने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, तो इसमें देखिएगा प्लस 2 का गैप है और इसमें देखिएगा प्लस 3 का गैप है, तो यहाँ से हमें पता नहीं चल रहा है कि प्लस 2 प्लस 3 हो गया, आगे देखते हैं आगे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस 11 का गैप है और यहाँ पे देखिएगा प्लस 13 का गैप है, और आगे देखते हैं तो कितना का गैप है, तो 13 माइनस 6 की जगह तो 7 हो गया, 9 मतलब 17 का गैप है, देखिए एक ये क्या प्राइम नंबर यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से तो पता नहीं चलता, 3 के बाद 4 भी हो सकता है, तो यहाँ से हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम लास्ट में देखते हैं 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19 होता, तो इसी प्रकार ये हम समझ सकते हैं कि ये क्या है प्राइम नंबर का सीरीज है, तो देखिए 2 के बाद कितना होगा 3, 3 के बाद क्या होगा 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 5 इसमें ऐड कीजिएगा तो 55 हो जाएगा, तो 55 और प्लस 7 करते हैं तो 62 भी हो रहा है, तो मतलब सीरीज फुल फिल हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 नंबर, जो कि 55 आंसर हो जाएगा। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, 35 में क्या है, देखिए इसके बीच में भी गैप देखने की कोशिश करते हैं, तो ये कितना हो रहा है प्लस 1 बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए कितना बढ़ रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो 25 उधर हो जाएगा और प्लस 2 25 27 बढ़ रहा है, प्लस 27 हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें कितना हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस कीजिएगा 5 बच गया, ये बच गया 7, 7 में से 5 माइनस कीजिएगा 2 125 बच रहा है। अब देखिए यहां से हमें खुद पता चल रहा है कि ये 1 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, ठीक है। तो आगे क्या होगा, 7 का क्यूब होना चाहिए और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, 343 को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 3 हो गया, 3 तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, 8 4 12 4 1 5 तो 523 ऑप्शन में तो है ही नहीं, देख लेते हैं ये 8 4 12 हो रहा है, 443 होता है, ठीक है। लगता है कि ऑप्शन लिखने में गलत हो गया, थोड़ा हम क्वेश्चन मैच कर लेते हैं एक बार, हाँ क्वेश्चन ये ऑप्शन लिखने में ही गलत हो गया है, यहाँ पे 523 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन हो गया आपका। आइए आप देखते हैं इसमें, देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें भी सबसे पहले वही काम करेंगे, गैप ढूंढने से ही क्वेश्चन बन रहा है, तो दूसरा लॉजिक सोचने की क्या जरूरत है, गैप ही ढूंढते हैं, गैप ही सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आइए आप देखिएगा इस दोनों के बीच में गैप देखिएगा, अगर 2 ऐड कीजिएगा तो 30 हो गया, 10 40 तो हो गया, 15 का गैप हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 15
प्लस 15, इस दोनों के बीच में देखिएगा तो कितना गैप है, इस दोनों के बीच में प्लस 30 का गैप है, इस दोनों के बीच में देखिए प्लस 60 का गैप है। देखिए अब यहीं पर लॉजिक पता हो रहा है कि दोगुना होता जा रहा है, दोगुना होता है, यहाँ पर कितना होगा 120 हो जाएगा, और 120 दुना कितना होगा 240, इसमें 240 को ऐड कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 493, 493 ऑप्शन नंबर क्या है, दो नंबर ऑप्शन में। चलिए मैं फिर वीडियो को पॉज करता हूँ और आगे क्वेश्चन लिख के लाता हूँ। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करके फिर से बना लीजिए, हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, आशा करते हैं आप तक वीडियो पॉज करके बना चुके होंगे, ठीक है, और नहीं किए हैं तो बेईमानी मत कीजिए, बना लीजिए पहले, ठीक है। आइए तो देखिए इसमें क्या लॉजिक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इस पर हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले 35 है फिर 33 है, क्वेश्चन 35 और 33 है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए 35 से 33 हो रहा है, एक तो अल्टरनेट सीरीज हो सकते हैं, या फिर एक डायरेक्ट गैप अगर देखेंगे तो इस दोनों के बीच में माइनस 2 का गैप है, और यहाँ पे 33 या 39 दिख रहा है, तो कह सकते हैं ये मल्टीप्लाई विथ 3 कर दिया है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस 4 का गैप आ रहा है, और फिर यहाँ पे देखिए तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 करके चेक कर लेते हैं, 25 हासिल दो, 9 5 45 दो 47, बिल्कुल सही है। तो अगला क्या होना चाहिए, तो आगे होना चाहिए माइनस 6 होना चाहिए, अगर माइनस 6 करते हैं तो 469 होना चाहिए, 469 कितना है, दो नंबर ऑप्शन दिख रहा है, तो आप उसको मार ले सकते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो देखिए इसके पीछे तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि गैप देख सकते हैं, गैप है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 32-33 बताए जब 6-11 था, तो एक ये लॉजिक लग रहा था कि 6 × 2 और प्लस 1 करने पे 6 × 12 माइनस 1 करने पे 11 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, 11 × 3 है तो 33 हो रहा है, ये लॉजिक लग रहा है। आगे देखिएगा 33 × 2 होना चाहिए था, तो 33 × 66 और माइनस 1 कीजिएगा 65 हो रहा है, तो ये यहाँ तक लॉजिक लग गया। आगे देखते हैं, आगे 65 × अब देखिए पहले 2 − 2 से गुना किए, −1 किए, ठीक है, तो फिर क्या किए, 3 से गुना किए, तो वही काम करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना करके देखेंगे तो 15 × 15 = 36 = 18 = 19 = 195, जो कि ये लॉजिक गलत हो गया, नहीं लगा। तो और आप यहाँ पे क्या सोच सकते हैं, तो देखिए एक और चीज़ सोच सकते हैं कि 11 × 2 कर सकते हैं तो 22 हो गया, आप प्लस 11 कर सकते हैं तो ये 33 हो गया, ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 33 × 2 करेंगे तो 66 हो जाएगा, और −1 करेंगे तो 65 हो जाएगा, ये भी एक लॉजिक है। चलिए अब आगे क्या करेंगे, इसको देखिए 2 × 2 करते हैं तो ये 130 होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 11 करते हैं तो ये 141 हो रहा है, देखिए क्या लॉजिक लगाया, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहले 2 से गुना किया −1 किया, फिर 2 से गुना करता है प्लस 11 करता है, फिर 2 से गुना करता है −1 करता है, फिर आगे 2 से गुना प्लस 11, तो आगे क्या हो जाएगा 141 × 2 और −1 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 14 × 2 = 28 और +2 −1 की जगह, तो मतलब 281, तो 281 जो है आपका करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। देख रहे हैं कैसे कैसे लॉजिक लग रहे हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन करके जरूर रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब 39 नंबर को देखिए क्या है, सबसे पहले तो रामबान चीज़ है कि हम लोग क्या करेंगे, गैप निकालने की कोशिश करेंगे और गैप से निकाल के देखेंगे। आइए तो यहाँ पे देखिए ये +54 हो रहा है, फिर देखिए ये कितना हो रहा है, तो ये 35 बढ़ रहा है, 6 5 11 3, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या हो रहा है, आगे देखिएगा ये 35 और 54 ये गलत भी हो सकता है, अगे हम लोग ट्राई ही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर माइनस कीजिएगा तो 5 हो गया और 9 4 13 +45 हो रहा है, आगे देखते हैं +40 हो रहा है, आगे देखते हैं तो 6 माइनस कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस कीजिएगा 3 बच गया और 36 हो रहा है। देखिए बड़ा छोटा रहा है तो ये एक और सीरीज बन जाएगा, और यहाँ पे हम अल्टरनेट सोचने की काम करते हैं, तो देखिए 9 माइनस करते हैं तो 45 तो −9, फिर माइनस करते हैं 9 तो ये 36 हो रहा है, और आगे 9 माइनस करेंगे तो वाट के बाद चला जाएगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या कर रहा है, +5 कर रहा है, चेंज कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसमें +5 किया था, आगे क्या होना चाहिए था +5, मतलब यहाँ पे 45 ऐड होना चाहिए, 5 × 2 = 7 5 × 6 = 2 267 है नहीं है, देख लीजिए 5 × 2 = 7 यहाँ पे 5 ही होगा ना, 257 जो कि एक नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो आप इस तरह करके बना सकते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, 40 नंबर क्वेश्चन हम आपको नोट करवा देते हैं और आप भी इसके पीछे का लॉजिक सही लॉजिक बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे नोट कर देते हैं 40 नंबर क्वेश्चन 5 16 24 8 48 120 72 और 168 है, कहिएगा सर ऑप्शन भी दे दीजिए, तो लीजिए हम ऑप्शन भी दे देते हैं, लेकिन सही चीज़ बताइएगा आप लोग, 1 56 2 नंबर 72 जो कि आंसर है 72, 3 नंबर 36 और 4 नंबर 64,
बताइएगा क्या लॉजिक है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा था तो सोचे सही लॉजिक नहीं आ रहा था, लॉजिक तो आया लेकिन सही परफेक्ट बैठ नहीं रहा था, वैसा लॉजिक नहीं मिल रहा था। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, काफ़ी टाइम लगा है मुझे शूट करने में, हो सकता है कि आपको इतना बड़ा वीडियो नहीं देखने को मिलेगा जितना बड़ा ये है, क्योंकि हम वीडियो पॉज कर किए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा एडिटिंग वाले वो कहते हैं कि थोड़ा एडिटिंग कर देंगे, क्योंकि हमको एडिटिंग करने नहीं आता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।